कलर देखो मीठा। हमारे जो रेल फैंस हैं, राजेंद्र फर्स्ट फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर लग चुका है। 60 रुपए स्क्वायर फीट इसका मतलब रेंट है। नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। और मैं हूँ फिलहाल अपने होम टाउन पटना, और पटना में अपने सिस्टर घर पे। और आज है संडे। जो अर्चना एक्सप्रेस कैंसिल हो गई थी उस टाइम कितना प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी जो जर्नी थी भी अधूरी जर्नी करनी पड़ी। इसमें मैंने बहुत सारे ट्रेन कवर किया, दानापुर सिकंदराबाद, महाबोधि, सचखंड एक्सप्रेस, भोपाल शताब्दी, फिर आपका जी हाँ पुरुषोत्तम, फाइनली लास्ट में उपासना से मैं पटना आ गया। किसी रीजन से महाबोधि एक्सप्रेस बाद में आया था। जर्नी जो आपने देखा, पसंद किया, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सिस्टर, इनसे मिले भी होंगे, बहुत सारे ब्लॉग में आई हुई हैं। जो मैं अपने गांव गया था, हाय बोल तो सबको भाई। तो आज हमें खिलाएंगे, क्या खिला रही हैं आप? मटन और राइस। चलिए मटन और राइस बनाएंगी, और हम भी कुछ हेल्प करेंगे, सीखेंगे कैसे बनता है। और आप भी देखेंगे कुछ, आपको भी आइडिया हो जाएगा कैसा बिहारी स्टाइल में मटन बनता है ना। मतलब कितने लोगों का, मतलब जिस तरह से नॉनवेज यहाँ बनता है, या हमारे घर में भी, या घर पे भी मम्मी नॉनवेज बनाती है ना, तो किचन से बाहर बनाती है, जैसे यहाँ बन रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग घर में भी ऐसे बनता है क्या नॉनवेज? किचन में नहीं, बाहर बनता है, उसका बर्तन भी अलग यूज होता है, सब चीज़ अलग होता है, और खाने के बाद ना उसको पूरा धो दिया जाता है। कलर देखो मीठा। मैं हेल्प कर रहा हूँ भाई। और ये पहले कुकर में मस्टर्ड ऑयल, देखिए पहले गया मस्टर्ड ऑयल, अब ये इसमें जाएगा। ये क्या है? ये जीरा है, जीरा, लाल मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च जो मैंने आपको दिखाया था, अब इसको इसमें डाला जाएगा। ये देखो, ये गया, ये 2 किलो, 2 केजी। आप हाँ, मैंने बताना भूल गया था, ये जो मीट है 2 किलो मीट है, 2 केजी मीट है। और 2 केजी मीट में आपको ये सब कितना, ये ऑनियन का देख सकते हैं, इतना ऑनियन गया, शिमला गया, कलर देखो भाई, कलर। इसे मैंने बताया आपको, इसमें दही और क्या क्या मिक्स करके मैरिनेट किया जाता है। गरम मसाला है, फिर आप इसमें डालिए। टमाटर की कटिंग थी, इस टमाटर में हम लोग डालेंगे, और यहाँ पे है सॉल्ट और हल्की आंच पे इसको गर्म होने दीजिए। आधा घंटा लगेगा बनने में। तो मैं आ गया हूँ छत पे, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। हमारे जो रेल फैंस हैं, राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स रेलवे यार्ड, और चलिए आउट पर चलते हैं। यहाँ से ना मेरा घर भी दिखता है, आरओबी। और वहाँ देखो, ट्रेन जा रही है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन की ओर, आपको दूर में दिख रहा होगा, आरओबी की ठीक बगल में है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, अगली 50 कदम की दूरी पे है वो रेल विहार के ठीक बगल। वहाँ पे छोटा सा, वहाँ पे देख रहे रेलवे, छोटा सा रेलवे ब्रिज है, और यहाँ से मेरा घर दिख रहा है, ऊपर रेड कलर का बाउंड्री है। कंटे मोड़ से ये रोड से अंदर सीधा चले जाएंगे गांधीनगर। और हाँ, एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना था जो बता रहा हूँ मैं, ये सामने देख रहे हैं जो सामने जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, ये हमारी सिस्टर का है। 3 फ्लोर कमर्शियल है, तो उसमें एक फ्लोर बुक हो चुका है, किसी मेडिसिन वाले ने लिया है। मैं चल के आपको दिखाता हूँ आगे से। फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, और 2000 स्क्वायर फीट का है फर्स्ट फ्लोर भी और सेकेंड फ्लोर भी। ऊपर रेसिडेंशियल है, तो उसमें शायद हमारे सिस्टर लोग बनने के बाद शिफ्ट कर जाएंगे उसमें। अगर जो कमर्शियल कोई लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा है, मेन रोड के बगल में है। एक्चुअली मैं आपको अंदर से थोड़ा सा छोटा सा टूर करवा देता हूँ। अपना नेशनल फ्लैग भी दिख रहा है भाई, देखो वहाँ पे। मैं ठीक बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, अच्छे देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर लग चुका है और ठीक सामने आप देख रहे हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक सामने देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे सामने देवी मंदिर। ये जो बैकग्राउंड है आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, मेरा पहला वीडियो ट्रैवल इंडिया विथ ऋषि पे यहीं से शूट हुआ था। अरे बगल में एक मैरिज हॉल है। चलिए मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ कैसा है। अब बाकी फर्स्ट फ्लोर पर ये लग चुका है, डग पॉइंट है और यहाँ पर आ सकते हैं। इधर इधर से है, उस वाले छत पर था जो लाइट येलो कलर का है ना सामने। और ठीक हम लोग आ गए यहाँ पर, बाकी देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में है। फर्स्ट फ्लोर पर तो लग गया है, ये यहाँ पे दिया है लिफ्ट के लिए। दो हजार स्क्वायर फीट का पूरा स्पेस है, ये एरिया है। ये फ्रंट में देखिए आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक मेन रोड बगल में, यहाँ से मेन रोड वो देख रहे हैं काटी फैक्ट्री मोड है ना। और ये जैसा मैंने दिखाया ड्रग पॉइंट फार्मेसी एंड लाइफस्टाइल स्टोर। यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम का भी जगह दिया हुआ है। ये शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, जिम इस तरह पे दिया हुआ है। ये पूरा जो एरिया है ना आप देख रहे हैं 2000 स्क्वायर फीट का है। और यहाँ भी एक छोटा सा वॉशरूम है, बताइए मतलब इस एक फ्लोर पे दो वॉशरूम है। और ये इसका बैक है, बैक में भी आप देख सकते हैं वो देख, मतलब अभी यहाँ से यूज़ कर सकते, ये सड़क भी यूज़ कर सकते हैं जो बैक में है। ठीक सामने देख, राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स, साठ रुपये स्क्वायर फीट इसका मतलब रेंट है। और ये रेंट नेगोशिएबल है, ऐसा नहीं है फिक्स है। आप जो हमारे जो जीजा जी हैं यानी राजू जी, आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, मैं भी कुछ नेगोशिएट करेंगे। ऐसा नहीं है फिक्स है कि 60 रुपये स्क्वायर फीट लगेगा तो लगेगा। बाकी चलिए मैं आपको सेकेंड फ्लोर दिखा देता हूँ। सेकेंड फ्लोर ये भी 2000 स्क्वायर फीट का है, जैसा आपने देखा था फर्स्ट फ्लोर वैसा ही है सेकंड फ्लोर भी। ये तो आप देख रहे हैं लिफ्ट का। और यहाँ पे देखिए स्पेस देख लीजिए, और यहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पे एक वॉशरूम दिया हुआ है, सामने एक वॉशरूम है। और इसका रेट है 50 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब भूख भी लग गई है, मीट भी बन गया होगा, कुछ पेट पूजा हो जाए। और ये आ गया है गर्मा गर्म, कलर देख भाई मीट का कलर देखो, और खुशबू मुंह में पानी आ रहा है यार देखो। और ये है सलाद, देख रहा हूँ ना अच्छी तरह सीजा हुआ है, देखो अपने बोन से ना देखो कितना इजी वे में निकल गया। वाह वाह क्या बना है, धन्य हो हमारी बहन श्री सिस्टर श्री, कितना बढ़िया टेस्ट है, कितना अच्छा तो सीजा हुआ है ना, पका हुआ है कहना नहीं भाई। ग्रेवी देखो, कलर देखो ग्रेवी का। देख रहे हो ये देखो कितना इजी वे में बोन से जो मीट है निकल जा रहा है भाई, बहुत गर्म है।
नॉन वेज का मज़ा जो राइस के साथ आता है, रोटी के साथ भी आता है भाई, क्या सबका अपना अपना चॉइस है, मुझे तो भाई राइस के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। आपको किसके साथ मज़ा आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए ये देखो, गर्मी लग रहा है, पत्ता चल रहा फिर भी गर्मी लग रहा है। और पैकिंग खाया भी और लेके भी आया, मजाक करो। ये हमारी सिस्टर ने पापा के लिए भेजा है, और बाकी मटन मस्त था, मटन बना मस्त था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, डिजिटली टेस्ट को आया। और होप ये छोटा सा ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के चटपटे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।